जिले के समदड़ी निवासी कल्याण सिंह को पाकिस्तान से वतन वापसी को लेकर परिवार ने सरकार से मदद मांगी है। 5 दिन बाद कल्याण सिंह के पुत्र की शादी है और वीजा नहीं मिलने के कारण पिता पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। सरकार द्वारा पिता को वीजा नहीं देने के कारण उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही है। परिवारजनों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात व विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। जिले के समदड़ी निवासी कल्याण सिंह को पाकिस्तान से वतन वापसी को लेकर परिवार ने सरकार से मदद मांगी है। 5 दिन बाद कल्याण सिंह के पुत्र की शादी है और वीजा नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। दरअसल 8 वर्ष पूर्व कल्याण सिंह सोढ़ा का पूरा परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत लौटा था। 1 वर्ष पूर्व कल्याण सिंह के परिवार के सदस्यों को जिला कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई थी। वहीं कल्याण सिंह सोढ़ा पाकिस्तान में कारणवश रुक गए, अब वो वापस अपने भारत आना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा वीजा नहीं मिलने के कारण उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही है। 5 दिन बाद कल्याण सिंह के पुत्र की शादी है। परिवार चाहता है कि कल्याण सिंह अपने पुत्र की शादी में शरीक हों, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की एवं विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। जी, मेरी शादी 16 तारीख को है, 16 फरवरी को, और मेरा पूरा प्रयास लगा हुआ है। मैंने सबसे मतलब गुहार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी तक, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेके प्रधान मोदी तक लगाई है गुहार। अभी तक वीजा नहीं मिल रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं मोदी सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को वीजा मिले और यहाँ पधारने की अपील। एक्चुअली 18 तारीख को मेरे भाई की शादी है 16 फरवरी को, तो उनको वीज़ा नहीं मिली थी। मैं भारत सरकार से और फॉरेन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर प्रधान मोदी से, कि मेरे पिताजी को जल्द से जल्द वीज़ा दिलाया जाए ताकि वो भारत आ सके और मेरे भाई की शादी में शिरकत कर सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपका संपर्क हुआ था क्या? हाँ, मैंने किया था, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी मेल किया था और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मैं मिला था 2-3 बार। बाकी अदरवाइज जो भी पॉलिटिक्स है उनसे मैं कॉन्टेक्ट में था, फिलहाल कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। वहीं 5 दिन बाद घर में कल्याण सिंह के पुत्र दरबार सिंह की शादी है, लेकिन परिवार में मुखिया की मौजूदगी नहीं होने के कारण रौनक फीकी सी नजर आ रही है। कल्याण सिंह के पुत्र की शादी को महज 5 दिन रहे हैं, लेकिन घर के अंदर सभी मेहमानों के रिश्तेदारों के पहुंचने के बावजूद भी सन्नाटा नजर आ रहा है। हर कोई दरवाजे पर आहट सुनकर टकटकी लगाकर यह देखता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं से कोई संदेश आ जाए कि कल्याण सिंह को वीजा मिल गया है और वह जल्द ही शादी में शरीक होंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे।